नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवाणी में। पिछले एक सप्ताह से शहर के पुर रोड स्थित प्रोसेस फैक्ट्री के बाहर वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का सातवें दिन भी श्रमिकों का कार्य का बहिष्कार जारी रहा। बताया जा रहा है कि रौनक प्रोसेस के मालिकों द्वारा हड़ताल कर रहे श्रमिकों पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है और खाली कागजों पर साइन करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद अब इसे लेकर पीड़ित श्रमिकों ने जिला के एसपी से एवं जिला कलेक्टर से इस मामले को लेकर गुहार लगाई है। इसे लेकर देखिए भिलवाड़ा लोकवाणी के लिए महेंद्र नागौरी की ये रिपोर्ट। हम सब वर्कर को बाहर निकाला हुआ है। हमारी मांगे थी भाई, पिछले लॉकडाउन में जो 4,000 रुपए कलेक्टर साहब ने घोषणा की थी हमारे को नहीं दिए गए। उसके बाद में हमारे वेतन वृद्धि CLPL की, इसके लिए हमने वहाँ पे 25 दिन से बोलते हुए आ रहे थे। तो हमारे को 1 तारीख को सब जनों ने बाहर मना कर दिया कि आप सब घर जाओ, कोई नहीं मिलेगा। और हमारे को कल वार्ताप लग के बुलाया गया, उसमें हमारे को सुबह 9:30-10 बजे के समथिंग हम गए, 5 आदमी थे, 4 बजे तक वहाँ बैठे रहे। नहीं तो हमारे को खाना पीना शाम तक हमारे को बोल दिया, कोई एग्रीमेंट नहीं लगेगा, कोई वेतन वृद्धि नहीं होगी, कोई 4,000 रुपये नहीं मिलेगा, काम करना तो ठीक, नहीं तो आप रिजाइन दो फिर घर जाना। बाकी हमारे बाहर नहीं निकलने दिया गया। आपको जबरदस्ती बंधक बना दिया? कौन सी फैक्ट्री का है? रौनक प्रोसेस। आपको जबरदस्ती बंधक बना दिया? ये 8 दिन से चल रही है, हमारे को जबरदस्ती गेट लगा दिया, बाहर आने नहीं दिया, चौकीदार मना कर दिया, नहीं जाओगे कोई भी बाहर। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि भाई हमारे सब 400 वर्कर सब बाहर बैठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं भाई कि जो 4,000 रुपये कलेक्टर साहब ने पिछली बार घोषणा की थी हमें वो मिल जाए, प्लस वेतन वृद्धि हो जावे, CLPL लागू हो जाए, पर्ची मिल जावे। कुछ नहीं किया तो फिर आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम बैठे हैं, जो बैठे जारी रहेगा। मेरा संजय जैन है। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भिलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखे ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखे न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।